मैं श्वेता भाटिया और आज मैं आपको क्लास 11 के मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आगे पढ़ाऊंगी। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में पोलर फॉर्म की एक्सरसाइज शुरू कराई थी, इस वीडियो में मैं आपको आगे एक्सरसाइज पढ़ाऊंगी। आज हम शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 करके दिखाया था, इस वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द पोलर फॉर्म ऑफ -1 + i। पहले हम क्या निकालते हैं, r। r मतलब मॉडुलस ऑफ z। मॉडुल ऑफ z का फॉर्मूला क्या होता है, a² + b²। a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे a की वैल्यू है इधर -1 और b की वैल्यू क्या है 1। a² मतलब -1 का होल स्क्वायर प्लस b² मतलब 1 का होल स्क्वायर। ये क्या आ गया, 1 + 1√2। फिर हम निकालेंगे tan थीटा। अब tan थीटा को आप थीटा बाद में कन्फ्यूजन होती है तो आप इसको tan अल्फा भी लिख सकते हो। मॉड में इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बाय रियल पार्ट ऑफ z। tan अल्फा इज इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, मतलब z का इमेजिनरी पार्ट है 1 और रियल पार्ट है -1। तो tan अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 1। ये नेगेटिव था, मॉड से बाहर आके वो 1 हो गया। tan अल्फा आ गया 1, इसका मतलब tan अल्फा इज इक्वल्स टू tan π/4 और अल्फा इज इक्वल्स टू π/4। अल्फा आ गया π/4, हमें तो निकालना थीटा। थीटा मतलब प्रिंसिपल आर्गुमेंट, थीटा मतलब प्रिंसिपल आर्गुमेंट। और हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं, पहले हम इसका क्वाड्रेंट फाइंड करेंगे कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाइक करते हैं। क्वाड्रेंट हम कैसे फाइंड करते हैं, ये कौन सा साइन है, नेगेटिव, पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव। हम कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, पहले x कोऑर्डिनेट फिर y कोऑर्डिनेट। तो इसका मतलब जो x कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव है, नेगेटिव x कोऑर्डिनेट का होता है इधर, और जो पॉजिटिव साइन है पॉजिटिव y एक्सिस, मतलब y कोऑर्डिनेट कहाँ होता है, इधर होता है। इसका मतलब जो थीटा है वो कहाँ लाया कर रहा है, सेकेंड कोऑर्डिनेट। बट ऐसे ना करके एक दूसरा मेथड क्या होता है, हम इसकी पहले पोलर फॉर्म, अगर हमें पता है पोलर फॉर्म ये है cos r cos थीटा प्लस iota साइन थीटा। cos थीटा ये नेगेटिव है और फिर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है और साइन थीटा पॉजिटिव है। जो cos थीटा नेगेटिव है, cos थीटा नेगेटिव कहाँ होता है, cos थीटा नेगेटिव कहाँ होता है, एक सेकंड क्वाड्रेंट में और एक थर्ड क्वाड्रेंट में। और साइन थीटा पॉजिटिव कहाँ होता है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक सेकंड क्वाड्रेंट में। इनका कॉमन क्वाड्रेंट क्या आया, सेकंड क्वाड्रेंट। और पहले बार जब पहले मेथड यूज किया था उसमें क्वाड्रेंट कौन सा आया था, सेकंड क्वाड्रेंट। इसका मतलब जो थीटा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है। हम अगर थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाइक करता है तो उसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, व्हेन थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो थीटा की वैल्यू क्या होती है, π - α। थीटा की वैल्यू क्या होगी, π - α। π - α हम निकालेंगे, थीटा निकालेंगे, π - α की वैल्यू क्या है, π/4। तो थीटा क्या आ गया हमारा, 3π/4। थीटा आ गया हमारे पास 3π/4। अब हमारे पास थीटा है, मॉडुलस ऑफ z है, r है, तो हम पोलर फॉर्म निकालेंगे। पोलर फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, पोलर फॉर्म का फॉर्मूला होता है r cos थीटा प्लस iota sin थीटा। थीटा है, r है, अब हम पोलर फॉर्म निकाल सकते हैं। r क्या होती है, √2 cos थीटा। cos थीटा क्या है, 3π/4। iota sin थीटा क्या है, 3π/4। ये आ गया आपका आंसर। और मैंने आपको जैसे अपने पिछली वीडियो में शो करके दिखाया था, अगर यहाँ पे आप थीटा की वैल्यू कॉस 3π/4 और साइन 3π/4 को आप खोल देंगे तो आप घुमा फिरा के जहाँ से आपने क्वेश्चन शुरू किया था वहीं पे आंसर पे आ जाएंगे। इससे कभी भी, हमेशा कभी भी इस स्टेज पे आके थीटा की वैल्यू नहीं ओपन करनी है, ओपन करोगे तो आप वहीं क्वेश्चन पे आ जाओगे। इसलिए ये क्वेश्चन का आंसर खाली यहाँ तक है,
ये आ गया आपका रूट टू इंटू कॉस पाई बाय फोर प्लस आयोटा साइन थ्री पाई बाय फोर। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर फाइव पे। क्वेश्चन नंबर फाइव है, फाइंड द पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब ये है माइनस वन माइनस आयोटा। पहले हम क्या निकालते हैं, आर। आर कैसे निकालते हैं, मॉडुलस ऑफ जेड। मॉडुलस ऑफ जेड का क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में, ए की वैल्यू है क्वेश्चन में आपकी माइनस वन और बी की वैल्यू क्या है माइनस वन। तो माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन का स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन प्लस वन इज इक्वल्स टू टू रूट टू। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन करे हैं उसमें सब में रूट टू वैल्यू आ रही है, पर जरूरी नहीं है यहाँ पे रूट टू की वैल्यू आए, कुछ भी वैल्यू आ सकती है। फिर हम क्या निकालते हैं, टैन अल्फा या थीटा। पर हम थीटा आर्गुमेंट बाद में निकालेंगे तो हम इसको अल्फा का नाम देंगे। इज इक्वल्स टू मॉड में इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अपॉन रियल पार्ट ऑफ जेड। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, जेड का इमेजिनरी पार्ट क्या है माइनस वन और जेड का रियल पार्ट क्या है माइनस वन। माइनस से माइनस कैंसिल, आंसर वन। इसका मतलब टैन अल्फा जो है, मैं यहाँ पे आर लिख देती हूँ, आर इज इक्वल्स टू रूट अंडर रूट टू। टैन अल्फा आ गया मेरा, टैन अल्फा है टैन अल्फा माइनस वन। इसका मतलब अल्फा इज इक्वल्स टू टैन अल्फा इज इक्वल्स टू टैन पाई बाय फोर। अल्फा इज इक्वल्स टू पाई बाय फोर। अल्फा आ गया मेरे पास पाई बाय, अल्फा आ गया पाई बाय फोर। अल्फा पाई बाय फोर। अब मुझे इसका क्वाड्रेंट निकालना, ये नेगेटिव का साइन रियल वाले पार्ट के आगे और इमेजिनरी पार्ट के भी नेगेटिव साइन। अब हम क्वाड्रेंट सिस्टम में देखें तो ये एक्स क्वाड्रेंट होता है, एक्स क्वाड्रेंट नेगेटिव कहाँ होता है, ये वाली साइड पे। और वाई क्वाड्रेंट नेगेटिव कहाँ होता है, ये वाली साइड पे। तो थीटा कहाँ आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। बट अगर आप ऐसा ना करना चाहें तो दूसरा मेथड क्या होता है, पोलर फॉर्म क्या होती है, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। कॉस थीटा क्या है इधर क्वेश्चन में, नेगेटिव। साइन थीटा क्या है, नेगेटिव। कॉस थीटा नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। साइन थीटा नेगेटिव कहाँ होता है, एक तो थर्ड क्वाड्रेंट में और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में। दोनों का कॉमन पार्ट, कॉमन क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट। और उस भी उस मेथड से भी कॉमन क्वाड्रेंट क्या आया था, थर्ड क्वाड्रेंट। इसका मतलब जो थीटा है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, और जब थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, व्हेन थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थीटा इज इक्वल्स टू पाई प्लस अल्फा। थीटा इज इक्वल्स टू पाई प्लस अल्फा, मतलब थीटा इज इक्वल्स टू पाई। अल्फा की जगह आप क्या लिख सकते हो, पाई बाय फोर। तो थीटा क्या लिखोगे आप, फाइव पाई बाय फोर। थीटा आ गया हमारे पास फाइव पाई बाय फोर। अब थीटा है, आर है आपके पास, तब हम क्या निकाल लेंगे इसकी पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, पोलर फॉर्म का फॉर्मूला होता है, फॉर्म होती है उसकी आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यहाँ पे आपको लिखना पोलर फॉर्म। आर की वैल्यू क्या है, रूट टू। कॉस थीटा क्या है आपके पास, कॉस थीटा क्या है, फाइव पाई बाय फोर। फाइव पाई बाय फोर प्लस आयोटा साइन फाइव पाई बाय फोर। फाइव पाई बाय फोर इसका थीटा, ये आपका आ गया आंसर। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि अगर आप इस पार्ट पे आके फाइव पाई बाय फोर की वैल्यू पुट कर देंगे तो आप दोबारा इस क्वेश्चन पे आ जाएंगे। तो आपको फाइव पाई बाय फोर की वैल्यू नहीं पुट करनी है किसी भी पोलर फॉर्म में। सो यही आपका यहाँ तक आपका आंसर है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मैं चाहती हूँ आप मेरी हर वीडियो को 4 से 5 बार ज़रूर देखिए ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके
और मेरे चैनल को इशिता भाटिया सुपर क्लासेस ऑफ इशिता भाटिया को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।